अरे एक परेशान क्यों है अरे सर क्या बताऊं मेरी गर्लफ्रेंड तो कनाडा चली गई अरे तो तू भी कनाडा चले जाना अरे मैं से चले मेरे पास कहाँ पैसे हैं? मेरी गर्लफ्रेंड के फादर बहुत पैसे थे उसने बेच दिया उसको कनाडा। तू स्कॉलरशिप के लिए अरे सर स्कॉलरशिप अप्लाई करो मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ता मेरी तो ऑक्सीजन ही खत्म हो गई है अरे तो इतना कंफ्यूज मत थोड़ी एनर्जी ला तेरे को एवरेस्ट भी चढ़ाता हूँ शानदार व्यू भी दिखाता हूँ so Into how do you get fully funded scholarships in Canada? So, guys, welcome to Study Abroad with Piyush. I'm Piyush Bhartiya, your very own study abroad coach. Grab your pen and paper because you might want to take some notes. So, sir, what are the types of scholarships in Canada? Right, AK. So, we have four types of scholarships that are there in Canada. First type of scholarship is the government scholarship. Canada government provide. One example of that is IDRC Research Scholarship.

इज क्यूबेक प्रोवेंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसमें कॉम्पिटिशन भी कम है इट इज एलिजिबल फॉर मास्टर्स एंड पी एच डी स्टूडेंट मास्टर स्टूडेंट्स परिस आउट ऑन द डेडलाइन सेकंड टाइप की स्कॉलरशिप आती है नॉन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दट इज प्रोवाइडेड बाई सर्टन फंड ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट इज द टू डू रिसर्च शिप ये यार बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप है एंड इट गिवस यू ग्रांट अपर्टी सिक्स लैक्स पर एनम कवरिंग योर इंटायर ट्यूशन रिसर्च लिविंग ट्रेवल ऑल कॉस्ट पॉसिबल दिस इज रेलिवेंट ओनली फॉर डॉक्टोरियल स्टूडेंट

डॉमी बिफोर आई गो हेट फॉर द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्कॉरशिप्स गाइड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल लाइक आर वीडियो एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स आर लुकिंग टू गो एंड स्टडी इन कैनेडा हाँ सर बिल्कुल नंबर थ्री पे आती है इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप दीज आर स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाई द यूनिवर्सिटीज एंड जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया उसकी बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप है जो कि वो देते हैं फॉर अंडर अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिलती है एंड दिस स्कॉलरशिप इज रेलिवेंट फॉर न्यू एंटरिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन इज बाय अर्ली डिसम्बर इसमें स्टूडेंट्स गेट टू कवर इंटायर ट्यूशन कॉस्ट विच इज अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी थ्री पर इज द यॉर्क यूनिवर्सिटी एक्सेलेंस स्कॉलरशिप और दोस्तों ये एक बहुत ही फेंटेस्टिक स्कॉलरशिप है इट इज अवेलेबल टू अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर स्टूडेंट्स अगर आप वहां पर मिनिमम सेवन पॉइंट एट जीपीए में रखते हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो ली अगर इसको इंटायर ट्यूशन कॉस्ट पे देखें तो दिस विल बी मोर देन 80 लैक्स ऑफ स्कॉलरशिप तो याराइट स्टूडेंट तो हो तो यॉर्क यूनिवर्सिटी कैन ब्रेट ऑप्शन फॉर यू इसके साथ में और स्कॉलरशिप आती है विच आर लाइक द फुली फंडेड स्कॉलरशिप एंड दे गिव इट टू यू इवन बिफोर यू स्टार्ट योर स्टडीज इसी में आती है यॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेजिडेंट्स इंटरनेशनल एक्सेलेंस स्कॉलरशिप which will give you 100% scholarship for 4 years of undergrad and this is targeted specifically at international students and this would be as much as 27 lakhs per annum. And the second example is the Vanier Canada Graduate Scholarship which is for PhD students. So this you can apply before actually you're starting your PhD and outside the institution and for this scholarship you will get about 30 lakhs per annum covering all your costs. स्टडिंग एंड लिविंग इन कैनेडा तो सर हाउ टू चूज द राइट स्कॉलरशिप सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड उनके एट एक्साम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं इन सबके लिंक तो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाली दूंगा बट वेन यू आर डूइंग योर रिसर्च फॉर फाइंडिंग द राइट स्कॉलरशिप फॉर यू यू नीड टू लुक एट अ मच लॉन्गर लिस्ट कॉमेंट स्कॉलरशिप आप बाय वन रिसर्च कर सकते हो और अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक भी कर सकते तो यार, करने यार, देखो, हैं चार ही मेन रूल सबसे पहला है अप्लाई करो डोंट हेजिटेट की मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप